नमस्कार साथियों, मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में सितारों के जहाँ में। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसे अपना समय दे रहे हैं, इसमें आप अपनी रुचि बनाए हुए हैं। हमारे मीना कुमारी सीरीज को आपने चाहा, सराहा, बहुत अच्छा लगा। आज से हम आपके लिए एक दूसरे कलाकार को लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। आप लोग हमें कमेंट नहीं करते, ये छोटी सी शिकायत है आपसे। आप हमें कमेंट्स कीजिए, आपके नेगेटिव कमेंट्स भी हमें सुधार का मौका देंगे। अगर आप हमें पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो हमारा हौसला अफजाई होगा, और अगर आप कुछ हमें सजेशन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने मीना कुमारी सीरीज को नहीं देखा, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जाएँ हमारे चैनल पर और मीना कुमारी जी के बारे में विस्तार से बहुत सारी जानकारी आपको उस सीरीज में मिलेगी। बहरहाल, आज से हम शुरू कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब के बारे में आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से कार्यक्रम। हमारे कलाकार हैं दिलीप साहब। ऑन स्क्रीन ट्रेजडी किंग नाम से मशहूर दिलीप साहब असल ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति थे, और लोगों को घंटों हंसाने के लिए जाने जाते थे। दिलीप कुमार साहब को अपना पहला ब्रेक मिला था फिल्म ज्वारभाटा में फेमस स्टार अशोक कुमार जी के सिफारिश पर। दिलीप कुमार हमेशा से ही अशोक कुमार साहब को अपना एक्टिंग गुरु मानते थे, और दिलीप कुमार जी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। उनके पिता लाला सरवर खान और पृथ्वीराज कपूर दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि लाला सरवर खान को पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो उन्हें भांड कहा करते थे। कहते हैं कि जब दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई तो पृथ्वीराज कपूर फिल्म का पोस्टर लेकर लाला सरवर खान के पास पहुंचे और कहा, ले तेरा बेटा भी भांड बन गया, और दोनों फिर खूब हंसे। शिमला और नैनीताल में गुलाम सरवर खान के बहुत सारे फलों के बागान थे। वो बहुत पहले मुंबई आकर बस गए थे जब दिलीप कुमार साहब और उनके भाई बहन बहुत छोटे थे। लेकिन चलिए फिल्मी करियर से पहले की बात करें तो एक बार यूसुफ, जी हाँ यूसुफ, यही नाम था दिलीप कुमार साहब का फिल्मों में आने से पहले। साल 1940 में यूसुफ साहब किसी बात पर अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़कर पुणे चले गए, और उन्होंने अपने लिए कुछ करने का सोचा। पुणे में उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद से हुई। इसके बाद आर्मी क्लब के कैंटीन में उन्हें एक नौकरी मिली। उस समय उन्हें अपने बल पर जिंदगी में कुछ हासिल करने का एहसास हुआ। उन्हें अपने अंदर एक जज्बे का एहसास हुआ। बाद में गुस्सा शांत होने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 5,000 रुपये की रकम लेकर अपने घर लौटे। तो परिवार अचंभे में था, लेकिन परिवार के लोग बहुत खुश थे। उन्हें ये यकीन आ गया था कि उनका बेटा लायक है, और अपने पारिवारिक जो ये बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसको आगे बढ़ा सकने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। लेकिन दिलीप कुमार साहब अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि परिवार वाले तो खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये महसूस कर रहा था कि अपने पिता का व्यवसाय को आगे बढ़ाना एक तरह से बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन शायद मैं इसके लिए नहीं बना था। यूसुफ साहब एक बार अपने काम के सिलसिले में नैनीताल गए हुए थे, जहां बाई चांस लकली उनकी मुलाकात देविका रानी से हुई। यहाँ देविका का जिक्र आ ही गया है तो बता दें, देविका रानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो पहली हीरोइन थी जिन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया था। देविका ने कहा, अगर मन बना लो तो कभी भी आ सकते हो मेरे स्टूडियो, और ये कहते हुए उसने अपना कार्ड यूसुफ को पकड़ा दिया। लेकिन उस वक्त यूसुफ साहब ने देविका की बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उनका उस वक्त तक भूले से भी इस ओर ध्यान नहीं गया था। कुछ दिनों के बाद अचानक से एक दिन उनके पुराने जानकार मित्र उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करते हुए मिल गए, जिनका नाम था डॉक्टर मसानी।
और डॉक्टर मसानी अचानक ही दिलीप कुमार साहब को, यूसुफ साहब को देखते हुए बोल पड़े, अरे यार तुम तो क्या खूब दिखने लगे हो, तुम्हें तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, तुम फिल्मों में क्यों नहीं जाते। तब जाकर उस दिन दिलीप कुमार साहब के यानी कि यूसुफ साहब के मन में ये बात अटक गई। उन्हें एकदम से ध्यान आया कि देविका रानी ने भी तो यही कहा था और आज उनके जानकार ये डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं। बस फिर क्या था, दिलीप साहब का सफर शुरू हुआ यहीं से। जा पहुंचे देविका रानी के पास। जब वो देविका रानी के पास पहुंचे तो देविका रानी बहुत खुश हुई और उनको नौकरी मिल गई। सैलरी मिली 1250 रुपये प्रति माह। यहाँ से यूसुफ साहब का फिल्मी सफर स्टार्ट हुआ। लेकिन देविका रानी को दिलीप साहब का ये जो नाम था पहले का यूसुफ, ये उन्हें पसंद नहीं आया। देविका रानी को लगा कि ये नाम फिल्मों में थोड़ी सुटेबल नहीं है। तो उन्होंने अपने आसपास बैठे राइटर्स से पूछा कि क्या कोई नाम सुझा सकते हो जो इस लड़के पर फिट बैठे, जो फिल्मों की हीरो की तरह लगता हो। नाम सुझाया गया दिलीप कुमार। बस यहीं से देविका रानी ने यूसुफ साहब का नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया। दिलीप कुमार ने अपना नाम तो बदल लिया लेकिन अपने पिताजी को लाला सरवर खान को नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनको पिटाई का डर जो था, उनके पिता एक्टिंग को नौटंकी कहते थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन खैर साल 1944 में यूसुफ से दिलीप कुमार बने इस नए लड़के की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई, जो अशोक कुमार साहब की सिफारिश पर मिली थी। फिल्म नहीं चली बट कोई बात नहीं, दूसरी फिल्म आई प्रतिमा, मगर ये क्या, ये भी फ्लॉप रही। खैर फिर जाकर 1946 में डायरेक्टर नितिन बोस की फिल्म आई मिलन और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो बस हर तरफ दिलीप कुमार साहब के चर्चे थे, दिलीप कुमार साहब की बात हो रही थी, हर तरफ ये नया लड़का दिलीप कुमार साहब छा गए थे पूरे हिंदुस्तान के दिलों में। इसके बाद तो दिलीप कुमार साहब ने जुगनू, शहीद, अंदाज, जोगन, दाग, आन, देवदास, नया दौर और मुगले आजम जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी जो कि आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। मात्र 25 साल की उम्र में देश के नंबर वन एक्टर बन गए दिलीप कुमार साहब। हर जवान पर बस एक ही नाम था, दिलीप कुमार। हक हमेशा सर झुका नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से, अरे भाई, अरे भाई साहब जरा गाड़ी रोको। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों से अलग दिलीप कुमार साहब आमतौर पर फुटबॉल के प्रेमी थे, पर उनको क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था। वो ना केवल क्रिकेट के फैन थे बल्कि अपने खाली दिनों में बहुत अच्छा खासा क्रिकेट खेला करते थे। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी के साथ मिलकर दिलीप कुमार साहब ने एक बार चैरिटी मैच के दौरान एक बहुत ही फेमस गेंदबाज की गेंद पर छक्का मारा था। चलिए आपको बताती हूँ वो पूरी घटना। साल 1962 की बात है, सीने वर्कर्स रिलीफ फंड के लिए एक रकम जुटानी थी। इसके लिए एक फ्रेंडली चैरिटी क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। एक टीम राज कपूर साहब की थी तो दूसरी टीम थी दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब के टीम में थे क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, तो दूसरी टीम में राज कपूर के साथ थे सलीम दुर्रानी। वैसे तो सलीम दुर्रानी खूब लोकप्रिय थे पर उन दिनों उनकी चर्चा इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि वो एक चरित्र नाम की फिल्म में काम कर रहे थे जिसमें उनकी जो को स्टार थी वो थी परवीन बॉबी। खैर जब ये तेज तर्रार पठान दुर्रानी बैटिंग करने आए तो भीड़ में जोश देखने लायक था। अमिताभ बच्चन ने बाएं हाथ से अच्छी धीमी गेंदबाजी की और उन्हें रोके रखा। बेकाबू हो रही भीड़ छक्के के लिए चिल्ला रही थी पर दुर्रानी के लिए छक्के लगाना कौन सा मुश्किल काम था। उन्होंने जोश में आकर एक जोरदार शॉट लगा दिया पर गेंद बाउंड्री के ऊपर की ओर जा रही थी। उसी वक्त मैच के दूसरे पठान यानी कि अपने दिलीप साहब ने डाइव लगाई और एक हाथ से कैच लपक लिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, दुर्रानी चुपचाप लौट गए। हालांकि उस मैच में
राज कपूर की टीम ने दिलीप कुमार साहब की टीम को हरा दिया था, लेकिन दिलीप साहब के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी। अरे आती भी कैसे, उन्होंने राज कपूर जी की गेंद पर भी तो कई शानदार चौके लगाए थे। बॉलीवुड एक्टर्स का ये मैच मस्ती और कॉमेडी से भरा हुआ था, जिसमें महमूद, शशि कपूर, प्राण, राजकुमार जैसे एक्टर्स भी शामिल थे। वैसे वेटरन एक्टर राज कपूर और दिलीप कुमार साहब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का बचपन पेशावर में बीता था, साथ साथ पले बढ़े थे और मुंबई आने के बाद भी, सुपरस्टार कहलाने के बाद भी इनकी दोस्ती में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। शायद इसी दोस्ती का सबूत थी यह क्रिकेट चैरिटी मैच, जिसमें हार जीत कहीं भी मायने नहीं रखती थी। मज़ेदार तो ये रहा कि इसके लिए दिलीप कुमार साहब ने राज कपूर से डांट भी सुनी। राज कपूर साहब ने कहा, अरे यार मैं तो दुर्रानी का बैटिंग देखने आया था और तुमने ये क्या कर डाला, आते ही उन्हें वापस भेज दिया। तो ऐसा था ये मैच जो बहुत शानदार रहा। खैर क्रिकेट प्रेम के सबूत और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी चलिए बात करते हैं दिलीप कुमार साहब के जीवन की कई अनगिनत और मजेदार बातों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान होंगे। और तो और उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा था। हैरान मत होइए, ये बिल्कुल सच है। हाँ किसी जुर्म में नहीं, मगर गए तो थे। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब दिलीप कुमार साहब अभिनेता एक्टर नहीं बने थे। एक बार अपनी जवानी के दिनों में एक क्लब में भाषण देते हुए दिलीप कुमार ने अंग्रेजों के खिलाफ बयान दिया था। दिलीप कुमार साहब ने कहा था, आज़ादी की लड़ाई जायज़ है, ब्रिटिश शासकों का हिंदुस्तानियों के प्रति रवैया बहुत ही गलत है और इन्हीं ब्रिटिशों की वजह से हिंदुस्तान में सारी मुसीबतें पैदा हो रही हैं। इस क्रांतिकारी भाषण पर तालियां तो बहुत बजी, लोगों की सराहना तो बहुत मिली, लेकिन जल्दी ही वहां पुलिस पहुंच गई और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और यरवदा जेल उन्हें भेज दिया था। वहां उनके साथ बंद सभी कैदी हालांकि सत्याग्रही थे और उनसे दिलीप कुमार साहब को पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल में किसी कोठरी में कैद हैं। क्योंकि सभी कैदी उनके साथ भूख हड़ताल पर थे तो दिलीप साहब ने भी उनका साथ देने की ठान ली और भूख हड़ताल पर बैठ गए। उस वक्त आज़ादी के लिए जेल जाने वालों को गांधी वाले के नाम से पुकारा जाता था। जी हाँ, जो भी जेल में आता था जो कि इस लड़ाई में शामिल था, अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में, वो सभी उस वक्त गांधी वाले कहलाते थे। लिहाजा दिलीप साहब को भी गांधी वाला कहा जाने लगा। इसके बाद बाई लक वहाँ उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनको वो पहले से जानते थे, जो वहाँ एक मेजर के पद पर तैनात थे। तब जाकर उन्होंने, उस मेजर साहब ने दिलीप कुमार साहब को जेल से बाहर निकाला था। साथियों बात दिलीप कुमार साहब के बारे में हो रही है तो आसान तो नहीं है एक एपिसोड में उनके बारे में सारी बातें कर लेना। उनकी बहुत सारी बातों के साथ मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हाँ एक बात तो है, मुस्कुराहट सबसे बड़ी औषधि है जीवन की, तो इसको खोने मत दीजिए। बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र फिल्म्स पर सितारों के जहां में। नमस्कार।